नामांकन के बाद बोले राजपा के प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह, गोपालपुर में नहीं है भाजपा। भाजपा के नवगछिया ग्रामीण मंडल अध्यक्ष पद छोड़कर राष्ट्रीय जनजन पार्टी के उम्मीदवार संजीव कुमार सिंह ने गोपालपुर विधानसभा में पर्चा भरने के बाद पत्रकारों से कहा कि गोपालपुर में भाजपा जैसी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। जब से नीतीश कुमार के साथ गठबंधन हुआ है तब से नीतीश का ही गुणगान होता है। संजीव कुमार ने कहा कि युवा उनके साथ है और वे विधायक बनकर जनता का दिल जीतने का काम करेंगे। शुरुआत अच्छी रहेगी और बहुत जोरों शोरों से होगा सारा चीज, और सारी जनता इस पार्टी के साथ है और हम इस बार बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे। गोपालपुर विधानसभा सीट से लगातार ताबड़तोड़ जो है नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में संजीव कुमार ने नामांकन किया है, लोगों की अपेक्षा पे कितना खड़ा उतरेंगे? ये तो अगले 6 महीने में हम जनता को बता चुके हैं कि हमारे काम का जो हिसाब होगा प्रत्येक 6 महीने में डोर टू डोर हर एक जनता को मांगने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि पूर्व के जो जीते हुए या पूर्व के सरकार के जो विधायक रहे हैं उस तरह का मेरा कोई काम रहेगा कि 15 साल और 20 साल, 20 साल बनाम 15 साल, जंगल राज 1 जंगल राज 2 के तरह का कोई बात नहीं होगा। हमारे काम को जनता के बीच 6 महीने का में हिसाब देना है। भाजपा के आप मंडल अध्यक्ष थे नवगछिया ग्रामीण से, छोड़ क्यों दिए भाजपा को? भाजपा गोपालपुर में भाजपा है ही कहाँ? आज हम तो देख रहे हैं जब से मतलब गठबंधन की सरकार हुई है भाजपा का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है और भाजपा के कोई भी कार्यकर्ता को यहाँ तरजीह नहीं दी जाती है। सिर्फ वो नीतीश कुमार के NDA सरकार में नीतीश कुमार के जदयू के बंधुआ मजदूर बन के रह गए भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता। किन मुद्दों पे चुनाव लड़िएगा गोपालपुर में? विकास के मुद्दों पर रहेगा और आज जो शिक्षा के मामले में नीतीश कुमार जी ने इतना भ्रष्ट कर दिया है शिक्षा को कि कहने की बात नहीं है। स्कूल में शराब पीकर टीचर मिलते हैं और जो शिक्षित टीचर हैं वो घर बैठे हुए हैं और जो मैट्रिक इंटर में पास करके शिक्षा दे रहे हैं। नवगछिया को जिला बनाने के लिए आप क्या करेंगे? नवगछिया को जिला बनाने के लिए मैं पूर्व में भी आवाज़ उठाते रहा था जब मैं भाजपा के अथी में था, अध्यक्ष पद पे था, उस समय भी मैं जिला बनाने को लेकर संकल्पित था और आज भी मैं जिला बनाने को लेकर हमेशा लड़ता रहूँगा सरकार के लिए। टिकट मिलने के बाद कुछ लोगों को द्वारा आपको बैठने के लिए भी कुछ धमकी दिया जा रहा है? धमकी जितना मिलेगा हम उतनी मजबूती से चट्टानी एकता के साथ अपना परिचय देते हुए हम लोग उतना और जोर शोर से लड़ेंगे। हम लोग पीछे हटने वाले में से नहीं हैं, हमारे साथ जनता का पूर्ण सहयोग है। युवा आप लोग का समर्थन कर? युवा तो अब देखने की बात है, बताने की बात है, ये मुँह से बताने की बात नहीं, जनता खुद देख रही है युवा मेरे साथ क्या किस स्थिति में। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।